दोस्तों हमारे फिश रूम में ना यार धूप आने की वजह से यहाँ पे एक अलग ही रेनबो कलर तैयार होता है, ठीक है ना। ये देखो यार, यहाँ पे ग्रीन कलर है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कलर है। ये देखो मेरे हाथ पे भी देख सकते हो, ये नेचुरल कलर है भाई। हमने यहाँ पे कोई लाइट्स वगैरह नहीं लगाई है, क्योंकि ना ये देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये एक दो रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे पूरा ये कलर रेडी होता है। ये देखो भाई, कोई लाइट्स वगैरह हमने नहीं लगाई है, ये पूरा नेचुरल होता है भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टैंक है ना, तो टैंक्स में यहाँ पे भी धूप आती है और ये पूरा रिफ्लेक्ट होने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा कलर तैयार होता है यार। ये देखो तो दोस्तों, हमारे सिम्बा और रस्टी को एक खिलौना मिल गया है जो कि एप्पल स्नेल का शेल है, जो कि पूरी तरह से अभी ड्राई हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं जैसे ही यहाँ पे फेंकूंगा, हमारे रस्टी और स्नो देखो भाई, चल स्नो, ये देखो भाई, ये देखो, ओए ये देखो, ओए ओए भाई 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 धीरे, ये देखो ये इसके साथ इतना खेलती है भाई, ये देखो, चल रस्टी रस्टी चल गो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो रस्टी सिम्बा, चल रस्टी सिम्बा आ जाओ भाई। अभी नहीं, अभी थक गए, कब का खेल रहे ना ये। आ जाओ भाई, पकड़ 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 जल्दी जल्दी पकड़। Hey guys, welcome back। भाई क्या कर रहा था ऊपर तू? कुछ नहीं भाई, वो पतंग उड़ा रहा था। अच्छा, मतलब फंसी हुई थी भाई अपने टेरेस। हमारे टेरेस पे ना दोस्तों बहुत सारी मतलब पतंग वगैरह फंस जाती है यार, ठीक है ना। ऊपर हमारे जो रॉड वगैरह है उसमें फंसी हुई थी। लास्ट टाइम भी हम वीडियो शूट कर रहे थे तभी वही पतंग आई थी अचानक। दोस्तों हमारे जो रिवर फिश का जो हमने टैंक बनाया था तो वो बहुत ही अच्छा मतलब सक्सेस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और हमारे जो फिशेस थे अभी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा यहाँ पे फ्रेंडली हो चुकी है। यहाँ पे मैं अभी लाइट्स नहीं लगा सकता क्योंकि जो लाइट्स वगैरह मैं लगाता था ना यहाँ पे तो लाइट्स खराब हो चुकी है, ठीक है। तो हमने वो न्यू ऑर्डर करने का प्लानिंग किया है, बट देखते हैं यार बहुत जल्द वो भी आ जाएगी लाइट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लाइट नहीं होती ना तो ये टैंक पूरा ऐसा मतलब मजा नहीं यार, देखने में कुछ मजा नहीं है, ठीक है। तो जब लाइट आ जाएंगी आपको मैं तब इसका अपडेट दे दूंगा। और दोस्तों आपको मैंने पूछा था लास्ट टाइम कि यार हमारे जो गोस्ट फिश है उनके साथ कौन सी फिश रह सकती है, ठीक है। तो काफी सारे भाइयों ने मुझे मतलब एंजल फिश वगैरह लाने का कहा था, तो यार और काफी सारे भाइयों बोले थे कि यार आपके पास जो मॉलीज है इनके साथ बड़े अच्छे से सेट रहेगी, ठीक है। तो यार दोस्तों मैंने यहाँ पे मॉलीज वगैरह ऐड कर दी थी, ये देखो 1 2 3 4 मैंने मॉलीज यहाँ पे ऐड की थी। और अभी हमारे जो गोस्ट फिश है पहले के मुकाबले काफी ज्यादा फ्रेंडली, नहीं तो पहले क्या करते थे यार एक ही कोने में जाके ऐसे बैठ रहते थे, मतलब हमें दिखते भी नहीं थे। बट अभी यार हमारे जो गोस्ट फिश यार एकदम फ्रेंडली हो चुके हैं। ये देखो ये 1 2 3 4 मॉलीज है और यहाँ पे गोस्ट फिश अभी डरे हुए अभी पीछे गए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ही तैरते हैं चारों के चारों मॉली के साथ। और दोस्तों ऊपर से मैंने ये इनको कवर देके रखा है क्योंकि दोस्तों मैं इनको जब फीडिंग करता हूँ तब हमारे गोस्ट फिश इतने ज्यादा ये हो जाते हैं भाई कि भाई ये जब जंप करने का देखते, तो इसी की वजह से मैंने कवर वगैरह ऐड करके रखा है, बाकी कोई टेंशन नहीं यार इनको। ध्रुव क्या कर रहा है यार तू? आज हमें टर्टल का पानी चेंज करना है इसलिए। अरे हाँ भाई, मुझे लगा कि यार तू फिश रूम का पानी चेंज कर रहा है। चल जल्दी जल्दी फिर उठा भाई जल्दी फिर। ये रख दिया मैंने यहाँ पे। टर्टल्स कहाँ है ध्रुव? टर्टल्स कहाँ है ध्रुव? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ग्रीन ग्रीन क्या हो गया यार, किसी ने कलर तो नहीं लगा दिया? नहीं यार मुझे भी वही लग रहा था ध्रुव, पहले किसी ने ऐसा कलर लगा दिया है इनको रिंग का, बट वो नहीं है। ये जो अलगी रेडी हुआ है ना अपने पानी में, हाँ। तो ऐसे बैठते हैं ना तो इनकी जो ये पीठ है ना, हाँ, ये ऊपर आती है, ठीक है। हाँ इतनी पानी में रहती है और उतनी ऊपर रहती है, तो यहाँ पे ये अलगी जो, हाँ ये लेयर आ गया है, ठीक है, अलगी का लेयर है, बाकी कलर वगैरह नहीं लगे निकल जाए। ये देखो भाई ये पूरा अलगी है हमारे चारों टर्टल्स के ऊपर, ये देख सकते हो भाई ऐसी पीठ इनकी ना ऊपर रहती है, तो इसी की वजह से इनको जो अलगी वगैरह होती है ना लग जाती है। मुझे वही लगा था यार हमारे टर्टल्स को कलर दे के कौन चला गया भाई। दोस्तों आज हमें क्या करना है, आज हमारे जो टर्टल पॉन्ड का जो वाटर है इसका जो लेवल है ये बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि ये लेवल बहुत कम हो गया है, हमने बहुत दिनों से पानी नहीं भरा है, अभी तो इतना ही है, मतलब टर्टल यहाँ पे डूब सके इतना ही पानी है, ठीक है। और अभी हम ये पूरा वाटर चेंज नहीं कर रहे यार, ठीक है, चेंज करेंगे तो यार इनको खाने में अलगी वगैरह नहीं मिलेगी और इसी वजह से हम चेंज नहीं कर रहे यार। तो अभी हम ऐसे ही पानी यहाँ पे भर देते जो अलगी का ही है, ये खाते ही रहते यार, तो हम ये ऐसे ही पूरा भर देते पानी यहाँ पे, सिर्फ ना फुल पानी कर देते, मतलब ये और आराम से यहाँ पे तैर सके। ध्रुव अभी तो क्या कर, ये वाले ना अपने किचन वाला जो नल है ना यहाँ पे, जो नल है ना उसको ये अटैच कर दे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ का हमने जो वाटर पॉपीज वगैरह लगाई थी तो यहाँ पे भी बहुत सारी अलगी जम चुकी है यार। ये देखो यार
ये सारे के सारे अलग ही ना दोस्तों, मैं हमारे टर्टल्स को दे दूंगा, टर्टल्स से आराम से खा लेंगे यार। हमारे टर्टल्स ये वाली अलगी खाना बहुत पसंद करते हैं यार, बहुत सारी अलगी यार यहाँ पे, यही खा लेंगे, खा लो भाई। तो चलो दोस्तों अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ का मतलब जितना भी धूल मिट्टी वगैरह दिख रहा है ना आपको, मैं सारा का सारा मैं क्लीन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। दोस्तों हमने जो टर्टल का पानी था यार, उसकी जो लेवल है वो मतलब अभी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। ये जो ईंट दिख रही है ना, इधर तक ये पानी बढ़ने वाला है, ठीक है। और बाकी के जो टब्स है हमारे, गप्पी वगैरह हमने लास्ट टाइम यहाँ पे छोड़े थे, तो उनकी बेबीज का भी अपडेट ले लेते यार। ये देखो यार, को यहाँ पे बहुत सारे बेबीज नजर आने वाले गप्पीज के। ये सारे डम्बो ईयर गप्पीज के बेबीज है, कितने बड़े हो गए जरूर यार एक महीने में। बाकी यहाँ का जो वाटर है ये भी पूरा ग्रीन हो चुका है, बट यहाँ पे भी बहुत सारे गप्पीज है यार। ये देखो, ये डम्बो ईयर गप्पीज की फीमेल है, और मैंने मेल भी देखा था यहाँ पे, मतलब बहुत सारे यार यहाँ पे। ये देखो, ये मेल डम्बो ईयर गप्पी, ये छोटा बच्चा है यार, हमारा घर का ही बच्चा है ये, कितना क्यूट है यार। ये देखो भाई, और यहाँ पे जो प्लांट्स लगे हैं दोस्तों, आपको पता ही होगा अभी वाटर तो पूरा पानी भरने की वजह से ख़राब हो चुका है। ये देखो, ये वाले प्लांट्स है यहाँ पे, जो कि पानी में कुछ ऐसा लुक आता है, इनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं ये। और बाकी यहाँ पे भी पूरी वाटर पॉपी, वहाँ पे वाटर पॉपी, और यहाँ पे भी हमारी मॉलीज है, बलून मॉली, और वहाँ पे भी गप्पीज है बाकी। और भी बहुत सारे भाइयों को एक क्वेश्चन होगा कि यार आपका इतना बड़ा टर्टल पॉन्ड है, और यहाँ पे जो मच्छर वगैरह मॉस्किटो जो बहुत सारे होते होंगे, बट दोस्तों मैंने यहाँ पे भी बहुत सारी गप्पी छोड़ के रखी, ठीक है। जो कि हम इनका जो अपडेट है ना, जैसे ही अभी विंटर सीजन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, जनवरी जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, फरवरी में हम इनका जो पानी पूरा निकालने वाले यहाँ से, और जितनी भी गप्पीज है, जितनी भी यहाँ पे प्लेकोज वगैरह, बहुत सारी फिश हमने यहाँ पे छोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से हम सारी फिश निकालने वाले हैं, बट इनको अभी नहीं निकालेंगे यार। ये देखो, आपको दिख रही होंगी, ये देखो गप्पीज, बहुत सारी गप्पीज है, और बहुत कलर वाली, कलरफुल गप्पीज है। एक मिनट आपको पकड़ के दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ओ ये भाई भाग गए, बहुत इतने एक्टिव है भाई ये, ग्रीन वाटर में इतने ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और बहुत सारे शॉर्ट टेल्स है, गप्पीज है, मॉलीज है, और कौन से पता नहीं यार, बहुत सारे फिशेज है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं हमारे टर्टल्स को दे रहा हूँ क्रंची वाले श्रिंप, जो कि हमारे टर्टल्स को मैं हफ्ते में एक बार देता ही हूँ, ठीक है। तो चलो यार खा लो भाई, इनका ये फेवरेट फूड है यार, इन तो ये क्रंची श्रिंप इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं यार। ये देखो यार, अटैक पे अटैक करेंगे, ये देखो ये कैसे खा रहा है। ये अलगी ज़्यादा नहीं खाना पसंद करेगा, श्रिंप इनका फेवरेट फूड है, और इनके जो मैं अलगी वेपर्स वगैरह ऐड करता हूँ ना, वो भी बड़े ही शौक से खाते हैं यार ये। और बाकी टर्टल्स को तो पता नहीं यार, जैसे ही पता चलेगा ना, अभी दौड़े चलेंगे यहाँ पे, वहाँ पे डाल दिया जरूर तूने, अभी वहाँ पे खाएंगे सारे, क्योंकि उस कोने में ही ज़्यादा वो टर्टल्स बैठना वगैरह पसंद करते। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो गिनी पिग का हमने सेटअप बनाया था, वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। हमारे गिनी पिग्स यहाँ पे एकदम परफेक्ट सेट है, और हमने हमारे जो कोको के लिए सेटअप बनाया था, ये भी यहाँ पे एकदम सक्सेसफुल रहा है। तो कोको के घर के ऊपर दोस्तों मैं ये वाला ट्रे रखता हूँ, ठीक है। और दोस्तों हम अभी क्या करने वाले हैं, आज रात को हम क्या करेंगे, अभी तो कोको सोया हुआ है, तो अभी तो हम इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आज हम ये कोको जो घर है ना, ये बाहर निकल कर देखने वाले यार, इसमें ये क्या क्या चीज़ें रखता है, ठीक है, मतलब कौन कौन सा फूड यहाँ पे ये रखता है, ठीक है। और पहले कोको क्या करता था दोस्तों, यहाँ से चढ़कर यहाँ पे आता था, और जो मूंगफली की बीज होती है ना, ये यहाँ पे ये करता था। तो यहाँ पे देखो यार, प्लांट्स भी उठ चुके हैं यार, ठीक है ना। हमने क्या किया था, ये वाला जो घर था ना, ध्रुव ने ऐसे रखा था, तो ऐसे रखने की वजह से कोको यहाँ से आराम से चढ़ जाता था, और ये बाहर आने के बहुत सारे चांसेस थे। तो इसी की वजह से हमने ये यहाँ से हटा दिया था, और फिर कोको का यहाँ पे आने का बंद हो चुका था। बट कोको ने यहाँ पे बहुत सारे मूंगफली के जो बीज होते यहाँ पे जमा करके रखे थे, और ये देखो भाई यहाँ पे प्लांट्स भी आप देख सकते हो, बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे ग्रो हो चुके हैं भाई, ये मूंगफली के प्लांट्स हैं। तो बाकी जो क्रंची वाले श्रिंप पे मैं हमारे मॉन्स्टर फिशेस को दे रहा हूँ, जैसे कि हमारे बॉब शार्क, ये बड़े ही शौक से खाते हैं, ये वाले श्रिंप बहुत इनको पसंद है। और हमारे जो सिकलेट टैंक है, इनको भी ये वाले प्रॉन बहुत पसंद है। हमारे सेनेगल, हमारे जो ग्रेट बीचर फिश है, इनको बड़े ही खाना पसंद करते हैं। और टाइगर बार्बो भी थोड़ा बहुत देता हूँ, ठीक है, इतना काफ़ी इनके लिए। और भाई हमारे फ्लोरों का भाई ये ही नहीं भाई, ये देखो ये अटैक पे अटैक किए भाई, इसको इतना ज़्यादा पसंद है यार, ये देखो यार, ओहो चलो भाई खा ले। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट मतलब हमारे ऑस्कर्स भाई, इनको तो भाई ये बहुत फेवरेट लगता है ये वाला फूड, चलो भाई खा लो खा लो खा लो। ये देखो भाई, ये अटैक पे अटैक खत्म। तो दोस्तों मैं अभी आपको ना रात को मिलता हूँ, रात को हम क्या करेंगे, हमारे जो कोको का घर है ना, उसके अंदर भाई वो क्या क्या चीज़ें रखता है, हमें वो देखने का बड़ा ही मतलब मैं कोको का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज हम रात को उसका हम घर निकालेंगे, जैसे ही कोको बाहर आएगा वैसे ही हम उसका घर बाहर निकाल लेंगे, और देखेंगे भाई उसके अंदर क्या क्या चीज़ें। तो दोस्तों अभी बाहर है ना यार,
अंधेरा हो चुका है, मतलब रात हो चुका है, ठीक है। और अभी हमारा जो हैमस्टर है उसका बाहर आने का टाइम है, ओके। तो दोस्तों अभी हम क्या कर रहे हैं, उसका आज जो बॉक्स है ना भाई, हम देखने वाले हैं भाई इसके बॉक्स के अंदर क्या, मतलब क्या ही ये जमा करके रखता है, ठीक है। पहले तो मैं इसे निकाल लेता हूँ बाहर, इसमें 100% हमारा हैमस्टर होने वाला है, ठीक है। तो हम यहीं पर खाली करने वाले, निकल भाई बाहर। हेलो, नहीं है यार इसके अंदर तो, नहीं है भाई उसके अंदर। अच्छा हाँ हाँ, इस वाले बॉक्स के अंदर है। चल भाई आजा, ये देखो भाई ये इसका सेकंड वाला बॉक्स है। तो अभी दोस्तों ना मैं इस वाले बॉक्स में ये क्या क्या रखता है मैं इसे भी पूरा खाली कर रहा हूँ, ठीक है। बस खाली हो गया अभी। तो इस वाले बॉक्स में से दोस्तों ये देखो भाई, ये मूंगफली के दाने, मतलब इसका जो खाना है ना ये स्टोर करके रखता है अंदर, बाकी तो कुछ नहीं मिला बाकी, ठीक है। और ये अभी यहाँ पे है जो कि इसने इधर भी कुछ जमा करके रखा है, यहाँ पे जो कॉर्न का जो छिलका आता है ना वो इसके अंदर है, ये देखो भाई देख सकते हो। मैंने इसको कॉर्न भी दिया था ना खाने के लिए, तो भी कॉर्न ही खाने के लिए इस वाले बॉक्स में गया था। और ये वाला जो बॉक्स है ना इसमें सोता होगा वो, और इतनी सारी तो चीज़ें निकली भाई इसकी खाने की। तो चलो यार इसको तो मैं इसी अंदर रख देता हूँ, अभी यहीं पर खा लेगा ये। देखो अभी बाहर आ रहा है भाई, जा जा। आजा भाई बाहर, आजा 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 बॉस। हेलो। और दोस्तों मुझे बहुत सारे भाई कहते हैं कि यार हैमस्टर की जो सैक होती है ना उसके जो दांत होते हैं उसके पीछे एक सैक होती है, ठीक है। तो वो जो खाना जमा करके अंदर लेके जाता है और अंदर वो स्टोर करके रखता है, ठीक है। मैंने आज तो मेरे आंखों से देखा है और उसके अंदर से मतलब बहुत सारी मूँगफलियाँ निकली, ठीक है। तो ऐसे ही हैमस्टर उसका जो खाना है वो स्टोर करके अंदर रखता है, और रात को क्या बताया, रात को थोड़ा 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 हर रोज थोड़ा थोड़ा खाता होगा, ठीक है। तो आज मैंने देख ही लिया यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा था यार, बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे, इसी की वजह से मैंने वो चेक किया, ठीक है। तो चलो यार दोस्तों इसी के साथ आज वीडियो हम एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करना।